इतना मस्त कलरिंग है, वाह मजा आएगा आज तो, मजा मजा। ये देखो आज का स्पेशल गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पूरा चश्मा लगा के एकदम वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, तो आजकल बहुत गर्मी है जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग के उधर में गर्मी होता होगा तो वीडियो बनाना काफी मुश्किल हो चुका है, बट फिर भी क्या करें, ये अपना रोजगार है तो करना ही पड़ता है, ये हमारा नौकरी है एक तरह से। तो फिलहाल मैं और जेरी जा रहे हैं मार्केट में, कुछ फ्रूट वगैरह खरीद के लेके आएंगे और आज बुआ जी लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, खाना वाना खाएंगे यहाँ पे, तो कुछ सब्जियाँ वगैरह। और यहाँ पे देखो सभी लोग गर्मी के कारण ऐसे ही बैठे रहते हैं। चाय जाइल बा, ये देखो हमारे ब्लैक पैंथर एकदम चकाचक हो चुका है और कल मैं एकदम बढ़िया से मूवी देख के आया, ये नहीं देखते हॉलीवुड हॉलीवुड ओनली बॉलीवुड ओनली बॉलीवुड बट आई लव मार्वल। तो चलते हैं अभी। हम मार्केट आए थे दोस्तों और फ्रूट वगैरह ले लिया, फ्रूट में बस हमें मैंगोज ही मिले, तो वाटरमेलन वगैरह मिला नहीं, शायद उसका सीजन फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे ले लिया है फिर से दही घर के लिए भी, मम्मी लोग के लिए फ्रूट। चले अभी अभी शीत में फिनिश हो जाएंगे। ये देखो अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं दोस्तों और बुआ जी लोग भी पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे जो दही लाया था वो दे दिया, अभी खा रहे। बहुत भयंकर गर्मी है, यहाँ पे एक्चुअली एक सांप है दोस्तों जो कि मेंढक को निगल रहा है, आवाजें आ रही है। ये देखिए मुझे सांप भी दिख रहा है, वो देखिए हिल रहा है, वाह वो देखो सांप दिख रहा है, ये देखिए वाह निगल रहा है मेंढक को। उरी बाबा ये देखिए वाह। वो देखिए दोस्तों गया अंदर, गया बुज्जे मत जाओ बुज्जे, ये देखो बुज्जे मत जाओ, पूरा गर्मी के कारण मरने वाले हैं, क्या करें। तो मेरा दोस्त आ चुका है, तो अभी मैं और दोस्त जा रहे हैं अपने बगीचे पे पीच तोड़ने के लिए, आज फिर से हम लोग पीच की चटनी खाएंगे। चले चलो पहुंच गए दोस्तों और यहाँ पे देखिए वाह मस्त मस्त पीच एकदम पक गए हैं, देखो मजा है एकदम, अभी तोड़ेंगे उसका खाएंगे लेके जाएंगे। बढ़िया है ना, ये परफेक्ट है यार, परफेक्ट एकदम, परफेक्ट बॉडी विद परफेक्ट स्माइल, आज खूब खाएंगे। यहाँ पे हम लोग पीच तोड़ रहे थे दोस्तों और मैं यहाँ पे धंधा लेने आया था और यहाँ पे सरप्राइज सीताफल पक गया, कस्टर्ड एप्पल, वाओ उस दिन मैं तोड़ के लेके गया था, ये देखिए दोस्तों मैंने तोड़ लिया बिल्कुल पके, वाह मजा आएगा आज तो, खाएंगे एकदम बढ़िया से। चलो अभी चलते हैं, लोकल ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल दोस्तों, परफेक्ट पूरा भी अलग सा पूरा कलरिंग मस्त है ना। यहाँ पीच भी जमा कर लिया दोस्तों, देखिए इतने मजेदार वाले मिले हैं, पीच भी और कस्टर्ड एप्पल भी मिल गया, तो आज जाएंगे चटनी बना के खाएंगे। अपना बगीचा से जो भी कलेक्ट करना था कलेक्ट कर लिया, अभी जा रहे घर में जाके खाएंगे। हर चीज मिलता है अपने बगीचे पे, ये देखो आज का स्पेशल। यहाँ जेरी ऑलरेडी पूरा चटनी बनाने में लग गई है, तो इसकी चटनी खाएंगे, मिर्च की चटनी, वाह। हमारे घर पे एक मैने ने घोंसला बनाया था दोस्तों, वो देखो बुज्जे के साथ हमेशा झगड़ते रहता है, वहाँ पे बुज्जे है, बुज्जे को देख देख के पूरा आवाजें कर रहा, देखो ऐ हमारे बुज्जे को क्यों मारते हो हाँ मैना जी। यहाँ पीच फ्रूट की कटाई चल रहा है दोस्तों, ये देखिए, और भिगो के रखते है ताकि इसमें कलरिंग ना आए, और ये एकदम परफेक्ट वाला है, अभी खाएंगे। यहाँ पे चटनी, मिर्च की चटनी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, इसके साथ खाएंगे, मजा आएगा। यहाँ तीनों को देखो, कोई छील रहा है तो कोई काट रहा है, और ये एकदम बढ़िया वाला ले लिया हूँ, खाएंगे। ये देखो कलरिंग इसका कितना मस्त कलरिंग है, वाह मजा आएगा आज तो, मजा। बहुत ज्यादा हो गया रे, पूरा कलरफुल, देखिए एकदम मजा आएगा आज तो। फिर देखिए दोस्तों इसमें मिर्च की चटनी जाएगा, ये देखिए ओरे बाबा एकदम बढ़िया वाला ड्राई फिश के साथ, अभी तैयार हो गया दोस्तों, और दीदी ले रही है, देखिए एकदम टेस्टी लग रहा है यार, मुंह में पानी आ रहा है, ले लो एकदम बढ़िया। ले लिया जेरी, हाँ चलो अभी खाते हैं।
ये देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया सा चटनी, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए हम लोगों ने चटनी वटनी तो खा लिया है, अभी जेरी लोग मार्केट में जाएंगे क्योंकि दीदी का जो फैन है वो खराब हो चुका है तो उसको रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे मुझे जो है आप लोग को मतलब याद होगा मैं कुछ दिन पहले आज से कुछ 10-15 दिन पहले एक चिड़िया का घोंसला दिखाया था छोटा सा, तो उसमें चिड़ियों की आवाज आ रही है तो बच्चे आए होंगे तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे है, यहाँ आओ आओ देखने। वाओ हाँ ये देखिए, अरे एक तो ही है उसमें 4 अंडे थे। ओ अबे यार एक शॉकिंग न्यूज अभी आप लोग को बता देता हूँ। अभी हम लोग जब चटनी खा रहे थे ना चिड़ियों की आवाज आ रही थी, मैंने सोचा मतलब बच्चों को वो कुछ खिलाने आया हुआ, तो इससे पहले 4 तो थे बच्चे, अभी केवल एक बच्चा और एक अंधा है। तो जो सांप आप लोगों ने देखा ना मेंढक खा रहा था, उस सांप ने बच्चे भी खा दिए। देखो यार क्या जिंदगी है, नेचर के साथ क्या ही कर सकता है खिलवाड़। ये देखिए अब इनकी सुरक्षा हम कैसे करें, ये देखो छोटा सा बच्चा बेचारा और एक अंडा है, बस सांप ने पूरा खा दिया। तो तेरी का यार दुख लगता है यार ऐसे मतलब। यहाँ देखिए दोस्तों अभी केवल एक बच्चा और एक अंडा रह गया, एक्चुअली 4 अंडे थे इसमें, तो जब हम लोग चटनी खा रहे थे वही टाइम में सांप निकल गया। देखो कितना दुख की बात है। तो इसका स्कूटी तो दीदी और जेरी लेके चले गए, तो अभी हम जाएंगे अपना ब्लैक पैंथर में, इसको चलाने दे रहा हूँ क्योंकि इसके साथ काफी मैचिंग होगा। देखो मैचिंग उधर से भी घुमा सकता है, डायरेक्ट एक चक्कर घर का एक चक्कर लगा सकता है, हम तो उधर से घुमाता है। डायरेक्ट घूम लो, इधर चल, इधर से जाओ, इससे घूम के आ जाओ, पूरा घर का एक चक्कर लगा लो। अपना दोस्त को चलाने दिया हूँ अपना फौजी भाई को, काफी मैचिंग होगा उसको। आ गया देखो, चलो चलते हैं, मजा आ रहा है। चलो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे अपना दोस्त आया था, एक्चुअली यहाँ पे बम्बू काटने आए हैं ये लोग, तो बम्बू काटेंगे उसके बाद मैं जाऊंगा अभी घर, क्या ही कर सकता हूँ अभी घर पे जाके थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, उसके बाद हम लोग दोस्त भी जाएगा रिजॉर्ट में नहाने के लिए जाएंगे मनोजवा के रिजॉर्ट पे। शाम होने को चला है दोस्तों और हम लोग जाने के लिए सोच रहे हैं रिजॉर्ट में नहाने के लिए, तो जेरी लोग भी पहुंच चुके हैं, तो अभी मैं अपना दोस्त को भी लेके आऊंगा, वो जो है बम्बू काट रहा था तो अब तक वो काट चुका है, कॉल करके बुला रहा है वो। और यहाँ गांव में देखिए दोस्तों ऐसे जो है ट्रैक्टर से हल मारा जाता है यहाँ पे धान की खेत करने के लिए। यहाँ आधे रास्ते पे मेरे दोस्त लोग को मिल गया मैं, और ये देखो ये भी रेडी और ये भी रेडी, तो अभी जाएंगे तीनों ट्रिपल राइडिंग। गांव में चल जाता है वैसे, शहरों में नहीं करना चाहिए, आप लोग भी मत करना। मेरे पास ये भी है। तो अभी चलते हैं। ओके चलो, हम लोग मनोजवा के रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं दोस्तों, लेकिन मनोज है नहीं है, पता नहीं कहां गया, कॉल कर रहा हूं लग नहीं रहा है, तो अभी नहाते हैं, नहाने के बाद घर जाएंगे हम लोग, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। मेरे दोस्त को देखो फौजी भाई नहाने चला गया पानी में, वाह। अभी नहा रहे हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है पानी में। जब मेरा पास अगर महंगा वाला फोन होता पानी में डुबकी लगाता बिल्कुल, ये वाला आईफोन 11 ये इतना पानी में मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम देता है, और ऊपर से मेरा स्क्रीन जो थोड़ा सा क्रैक है तो उसमें पानी घुसने के चांसेस है। अरे बाबा ये देखो इतना मस्त मस्त, और यहाँ पे दो बच्चे देख सकते हैं, ये मेरी बेटी है, इसका पापा का नाम भी रूपम है, और वहाँ पे भी एक है। मेरी बेटी मिल गई, तो अभी नहा लेते हैं। अरे बाबा ये देखो। इधर जेरी को देखो नहा रहे हैं, मजा एकदम। चल जेरी डुबकी लगाते हैं एक ही साथ में, 1, 2, 3 होने के बाद ठीक है। रेडी 1, 2, 3 फाइनली नहा लिया, एकदम फ्रेश हो लिया, तो अभी घर जाएंगे मस्त मस्त एकदम नहाने से यहाँ पे फ्रेश फ्रेश। और देखो ना शाम का नजारा, जब रिजॉर्ट
कंप्लीट हो जाएगी ना, जब इनोग्रेशन हो जाएगी मजा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने चप्पल छोड़ के रखा था और अपना ब्लैक पैंथर का चाबी। चलो अभी हम लोग घर पहुंचे हुए काफी देर हो चुका है दोस्तों, और मेरे दोस्त लोग भी चले गए हैं, तो अभी हम लोग का इधर पे डिनर की तैयारी है एकदम। अभी बस चावल बचे है ना, यहाँ पे सब्जियां वगैरह तो हो चुके हैं। ये देखिए उस दिन जो हम लोग केले लाए थे ना, वही केले की सब्जी, और यहाँ पे पपाया की सब्जी, उसी के साथ करेंगे। ओ यहाँ पे ड्राई फिश, मिजोरम से लाया हुआ ड्राई फिश, ये देखिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी, इसकी चटनी बनाएंगे हम लोग, इसमें लेमन जूस भी देंगे तो उसके साथ खाएंगे। यहाँ पे अभी ड्राई फिश की चटनी बनाया जा रहा है, लेमन जूस दे देके, वाह बढ़िया, लुक्स टेस्टी, मजा आएगा। तो अभी डिनर करने का टाइम आ चुका है, तो डिनर करते हैं। अभी हम लोग का फैमिली कितना छोटा हो गया देखिए, 3 और 4 उधर में, और बुज्जे टोटल मिला के 5 लोग। चलो करते हैं। तो आज दिन भर कुछ ज्यादा ही मैं ये वो फलाना दिमखाना मतलब कुछ कुछ खा दिया था, तो उस कारण थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक ये ओमीजी पीऊंगा, उसके बाद आराम से सो जाऊंगा। तो आजकल मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, कल परसों के ब्लॉग से जो है काफी बोरिंग फील होता होगा आप लोग को, हमें भी फील होता है, क्योंकि गर्मी भयंकर, इतनी गर्मी है, हम जो है ठीक तरीके से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे, क्वालिटी कॉन्टेंट नहीं ला पा रहे। लेकिन कल जो है आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, कल का वीडियो थोड़ा सा अच्छा वाला होगा, क्योंकि कल बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो आप लोग वेट कीजिए, कल का वेट कीजिए, बहुत ही बड़ा धमाका आने वाला है कल, एकदम सरप्राइज। तो इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।